दोस्तों, आज खेसारी लाल यादव ने विरोधियों को इतने सारे झटके दिए हैं कि उन लोगों का दिमागी हालत खराब हो गया है। जी हाँ दोस्तों, पहले तो टीजर ट्रेंडिंग एक नंबर पे, उसके बाद गाना एक नंबर पे, उसके बाद से आईपीएल में लॉन्चिंग, साथ बैठकर मैच देखना। अब इतना सारा झटका कोई बर्दाश्त करे तो कैसे करे भाई। इतना बड़ा बड़ा लकीर खींच दिए हैं खेसारी लाल की, लोग अगर रेंगना शुरू करेंगे तो लोगों के घुटने छिल जाएंगे। और ऐसे सिचुएशन में क्या कर सकते हैं भाई, दिमाग तो खराब हो गया है। अब दिमागी हालत ठीक नहीं है तो कहाँ से कुछ दिमाग काम करेगा। ऐसे सिचुएशन में कुछ लोग बोल रहे हैं कि खेसारी लाल गए और टीम हार गई लखनऊ की। अब देखिए, खेसारी लाल यादव अगर हार जीत डिसाइड करने लगे तो क्या होगा पता है? खेसारी लाल यादव जितना साल भर में कमाते होंगे उतना पैसा देकर कोई कंपनी, कोई टीम वाले इन्हीं को खरीद लेंगे कि हाँ चलिए आप केवल हमारा मैच देखिएगा और जीतवा दीजिएगा चाहे हरवा दीजिएगा। मतलब क्या है, कुछ भी। मतलब अनपढ़ 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 किस्म के लोग समझ में आता है, पढ़े लिखे गंवार भी समझ में आते हैं, लेकिन ये किस टाइप का है? मतलब ये पागलपन है क्या? मतलब संस्कार है कि क्या है? बाप मैं इसीलिए पैदा किया है तुम लोगों को कि कुछ भी बोलो जाके, यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो तुम लोग? हद है। मतलब खेसारी लाल मतलब हार जीत डिसाइड करने शुरू कर दिए हैं। वो एक कलाकार के तौर पे अपना गाना प्रमोशन करने गए थे फिल्म में, स्टेडियम में, वहां पे वो किए, मनोरंजन किए दर्शकों का, आ गए। अब कौन टीम बेहतर खेला, कौन टीम नहीं खेला, हार जीत कैसे हुआ नहीं हुआ, उसमें खेसारी लाल का क्या योगदान है, बेवकूफ जैसा बात। बाकी दोस्तों, मैं मिलूंगा आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भोजपुरी।